Assalamu alaikum and welcome to my channel Biology Doctrine. Today's lesson objectives are So dear students, have you seen the lesson objectives? Today we are going to learn about secondary structure of the proteins. But someone asked me to elaborate the word protein. मतलब ये कि ये जो प्रोटीन का वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है. सो बेसिकली जो प्रोटीन का वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है. दैट इज प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और यू कैन से द होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वो वाटर है, ठीक है. उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स होते हैं. लेकिन जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो प्रोटीन है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. वाटर सबसे ज़्यादा है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन है. तो इसीलिए इसको प्राइमरी, ठीक है, प्राइम जैसे इसके नाम से आप जज कर सकते हैं कि बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है. सो डियर, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज लेक्चर दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा. प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, वो सिंपल एक चेन होती है अमीनो एसिड्स की, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. अच्छा, अब कोई भी प्रोटीन हो वो स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है. अब वो कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से आती है, वो कर्लिंग और फोल्डिंग से आती है, ठीक है, जो कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इट इज द कर्लिंग और फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. अब क्या होती है कि जो स्ट्रेट चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखी प्रोटीन्स की, उसमें कर्लिंग होती है, ठीक है, या फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है. और वो किस तरह से होगी, या तो वो अल्फा हेलिक्स की तरह होगी या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स की तरह होगी. अब ये फोल्डिंग किसकी तरह हो रही है, किसकी वजह से हो रही है. अब चूंकि पॉलीपेप्टाइड खुद तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती कर्लिंग की तो डायरेक्ट जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ही वो एक स्ट्रेट चेन ना बनता. लेकिन ऐसा इसमें कुछ चेंजिंग आती है, इसमें बॉन्ड बनता है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड. उस बॉन्ड के बनने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स. अब क्या है कि जो चेन्स हैं इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और नॉट फ्लैट. वही बात के किसी भी प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो कभी भी फ्लैट नहीं होती, हमेशा उसमें कर्लिंग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर. ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फा हेलिक्स को. अल्फा हेलिक्स क्या है बेसिकली, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन वो स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं, जिस तरह से ये है एक स्पाइरल की तरह जो है वो स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं. और ये क्यों होता है, अमीनो एसिड्स की वजह से. कैसे होता है, देखिए, अब हर अमीनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होते हैं और NH भी ग्रुप भी होता है. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जब हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने देखा कि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है और अमीनो ग्रुप भी अटैच होता है, ठीक है. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर में उसको देख सकते हैं. अच्छा, अब हर जो प्रोटीन है सॉरी अमीनो एसिड है उसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीनो जो है ग्रुप भी है. ये मैंने थ्री अमीनो एसिड ड्रॉ किए हैं जो कि चेन में अरेंज है. ब्लैक वाले को मैंने इससे डिनोट किया है, ग्रीन वाले को मैंने इससे शो किया है और रेड वाले को मैंने इस तरह से. अब ये तीन अमीनो एसिड्स आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ये इनका बॉन्ड है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि हर एक के पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है, ठीक है, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है. जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड आपस में अरेंज होते हैं
उनके पास ये दो चीजें होना तो मस्ट है, ये हमेशा प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कैसे बनता है? आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है? कि जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो ये जो अट्रैक्शन है इसके रिजल्ट में बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब कैसे होता है बेसिकली? अब आपने देखा कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, हर उसमें होता है, अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, और NH भी हमने देखा कि हर अमीनो एसिड में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, NH भी। अब हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होती है? पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों की आपस में बेसिकली क्या हो जाती है? अट्रैक्शन, और एज रिजल्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है। अब किस तरह से ये होता है, ये देखिए मैंने एक स्पायरल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह से ये स्पायरल है, और मैंने इसको बहुत ओपन करके बनाया है कि मैंने एक उसके अंदर मैंने इलेबोरेट करके मैंने अमीनो एसिड को लिखा है, ठीक है। ये अमीनो एसिड इधर भी मैंने शो किया हुआ है, यहाँ भी मैंने शो किया, और यहाँ भी मैंने शो किया है। ये इसका आर ग्रुप है, ठीक है। हमने अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये बहुत यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। इसके हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिकली टर्न क्या होते हैं, आप सपोज करें कि ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर के एक गिर्द अगर कोई मैं स्प्रिंग को मैं रोल करूं, तो ओके मेरे पास ये मार्कर है और मेरे पास ये वायर है, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरह से इसके इर्द गिर्द को इसके इर्द गिर्द में इस तरह से रोल करूं, ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ये इस तरह से होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये एक टर्न है, दूसरा टर्न है, और तीसरा टर्न है, ठीक है। अब हर टर्न में क्या होता है, बेसिकली 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कॉइल जो है वो हुआ है, ठीक। हर टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर ग्रुप हमने पढ़ा था ना कि डिफाइन करता है अमीनो एसिड को, कि कौन सी टाइप का अमीनो एसिड है। तो हम चूंकि डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, तो हम ये कहते हैं कि 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है, कि कौन सी टाइप का अमीनो एसिड है वो हम रेजिड्यूज में कहेंगे, कि उसका आर ग्रुप जो है वो एच भी हो सकता है, सी एच भी हो सकता है, और डिफरेंट हो सकते हैं आर ग्रुप जो हमने प्रीवियस में पढ़े हैं। तो ये आपने देखना है कि ये एक अमीनो एसिड मैंने यहाँ ड्रॉ किया, दूसरे को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, थर्ड को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब यहाँ पे भी डिफरेंट आर है, ये भी डिफरेंट आर है, और ये भी डिफरेंट आर है। अब मैंने ये एक सिंगल को ड्रॉ किया, तो यहाँ पर सिंगल नहीं है, हर टर्न में ये एक टर्न आया, इसके पास 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न है, तो उसके पास भी 3.6 रेजिड्यूज हैं, और हर टर्न का जो डिस्टेंस होता है, देखिए ये टर्न है ये वाला, ठीक है, हर टर्न के पास क्या होता है, ये एक टर्न है, ठीक है, इसके पास 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो 5.4 ऑंगस्ट्रॉम है, ठीक है। वो डिस्टेंस भी आपने इन दोनों चीजों को आपने एमसीक्यूज वाइज याद रखना है। अब जो इस तरह से जो इन दोनों के दरमियान ये जो मैंने रेड रेड लाइन शो की हुई है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली होता है, जो कि इसके कर्लिंग की वजह बनता है। अब कर्लिंग की वजह बेसिकली मैंने बताई है कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के और अमाइन ग्रुप के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी वजह से बेसिकली कर्लिंग होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी कॉइलिंग के और इसकी कर्लिंग के, ठीक है। तो बेसिकली वजह ये है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे कि कैराटीन में भी होती है, जो कि बालों में होती है, और हेयर्स में होती है, हूव्स में होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, इसकी एग्जाम्पल अगर आप एमसीक्यूज वाइज आ जाए तो आप कैराटीन इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या होता है, ये तह बना लेते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से होते हैं, ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये मैंने जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं इसको बहुत और सिंपल तरीके से मैं इसको बताऊं, तो जैसे मैंने ये स्ट्रेट चेन बनाई है अमीनो एसिड की, तो ये इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक अमीनो एसिड की, दूसरा अमीनो एसिड,
तीसरा, चौथा, ये इस तरह से अमीनो एसिड्स आपस में जिगजैग की तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, और जिगजैग में अरेंज होते हैं और इस तरह से फिर वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बीटा प्लेटेड शीट्स होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनमें फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, ये भी दूसरा अमीनो एसिड है, इन्होंने आपस में जो है वो जिगजैग स्ट्रक्चर बना के प्लेटेड शीट्स बनाई है, ठीक है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम आप देखते हैं एनिमेशन में। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा कि पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उनके पास दो चीज़ें होना मस्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज़ अमीनो ग्रुप। अब यही दो ग्रुप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में इन्वॉल्व होता है इन द कर्लिंग और द बैंडिंग ऑफ दैट स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये जो सीधी स्ट्रेट चेन है इसकी बैंडिंग या कर्लिंग करने में हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर उसकी कर्लिंग हो जाती है स्ट्रेट चेन की तो वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, या और अगर बैंडिंग हो जाएगी तो वो बीटा प्लेटेड शीट बनती है। तो ये टू टाइप के स्ट्रक्चर हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है और इसमें अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज होंगे कि उनका जो आर ग्रुप है वो आउटवर्ड अरेंज होगा, ठीक है, और इनसाइड पे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अरेंज होंगे, ठीक है। आर ग्रुप हमने पढ़ा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, तो आर ग्रुप जो है वो आउटवर्ड अरेंज होंगे और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये इसके इनसाइड अरेंज होंगे। यही अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किस तरह से? हाइड्रोजन चूँकि पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन की अट्रैक्शन किसी भी पार्शियल नेगेटिव की तरफ हाइड्रोजन फॉर्मेशन का जो है वो रिज़ल्ट बनती है। तो हाइड्रोजन की अट्रैक्शन है ऑक्सीजन की तरफ जो कि पार्शियल नेगेटिव है, तो एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कोर्स इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, लेकिन जब ज़्यादा क्वान्टिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में, एक्सेप्ट जो फर्स्ट वन और लास्ट वन, जो दोनों पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके जो टर्न देखें आप, जो कर्ल है इसके हर टर्न के पास 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और हर टर्न का डायमीटर 0.54 नैनोमीटर होता है। ये इस टर्न के पैरामीटर्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ वाइज आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इन कर्ल के अंदर अगर अमीनो एसिड प्रोलीन हो या फिर ग्लाइसिन हो तो वो इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोलीन की जो एंड साइट है उसके पास NH नहीं होता और ग्लाइसिन के पास H होता है आर ग्रुप के पास, जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। यही वजह है इनको हम अल्फा हेलिकल ब्रेकर्स भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट जिगजैग स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये समहाउ डिफरेंट होता है प्रीवियस स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चेन जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसमें बेसिकली टू चेन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि टू चेन्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं। फर्स्ट चेन आप ऊपर है, दूसरी चेन नीचे है। फर्स्ट वन के कार्बोक्सिल ग्रुप ने दूसरी चेन के अमीनो ग्रुप के साथ जो है बॉन्ड बनाया है एंड वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं कि टू चेन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर बनाती है और ये जो जब आपस में टू चेन्स अब लिंक करती हैं तो वो पैरेलल भी लिंक कर सकती हैं और वो एंटी पैरेलल भी लिंक कर सकती हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर इट टू अदर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।